ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम महाराज परीक्षित के जन्म की कथा के बारे में चर्चा कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अनेक श्रेष्ठ ऋषिगणों ब्राह्मणों को बुलवाया क्योंकि वो चाहते थे इस बालक का जात कर्म, उसकी जन्म कुंडली देख करके बनवा करके ये जानना चाहते थे कि ये जो बालक जिसने जन्म लिया है ये आगे जा करके किस प्रकार के कार्य करेगा, क्या वह अपने पूर्वजों की भांति जो उनके पूर्वज थे, बड़े ही महान राजा थे युधिष्ठिर महाराज के जो पूर्वज, तो क्या उनकी भांति ये भी महान राजा बनेगा। तो ये सब जानने के लिए और उनका अनेकों जो संस्कार होते हैं, दश विध संस्कार जो होते हैं, तो जन्म के उपरांत जो संस्कार किए जाने चाहिए उन संस्कारों को पूर्ण करने के लिए धौम्य और कृपाचार्य को बुलाया गया। तो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने महाराज परीक्षित के बारे में बताया कि ये जो बालक जन्म लेने वाला है ये अत्यंत महाभागवत महान, इसके अंदर में सभी महान गुण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये महाभागवत रहेगा। महाभागवत का मतलब होता है भगवान का उत्तम भक्त, श्रेष्ठ, सबसे जो उत्तम श्रेणी का भक्त होता है उसे महाभागवत कहा जाता है। वेदों के अनुसार तीन श्रेणी के भक्त होते हैं। पहले निम्न श्रेणी का जो होता है उसे कनिष्ठा अधिकारी कहा जाता है, उससे जो थोड़ा ऊपर होता है उसे मध्यमा कहा जाता है, मध्यमाधिकारी, और जो सबसे उत्तम श्रेणी का भक्त होता है उसे उत्तमाधिकारी या महाभागवत कहा जाता है। तो महाराज परीक्षित जो हैं वो उत्तम श्रेणी के भक्त होंगे, महाभागवत होंगे। इन तीनों में क्या अंतर होता है ये वेदों में बताया है। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उसकी भगवान में जो निष्ठा होती है वो अत्यंत कोमल होती है, अभी गूढ़ निष्ठा उसकी भगवान के अंदर में नहीं है। वो भगवान को हर एक जगह नहीं देख सकता है, वो नहीं देख सकता है कि भगवान सबके हृदय के अंदर में भी विराजमान है। वो केवल मंदिर में उपासना मात्र करके, विग्रह सेवा में उपासना मात्र करके भगवान की सेवा करता है। उसे भगवान का तत्व ज्ञान, जो साइंटिफिक नॉलेज है भगवान के बारे में, विज्ञान जिसे कहते हैं, वो ज्ञान भी उसके पास में अधूरा है, पूर्ण नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? निम्न श्रेणी का भक्त,
प्राकृत भक्त भी कहा जाता है, मतलब अभी वो भौतिक चीजों से आसक्त है, अभी भगवान के अंदर में उसकी आसक्ति इतनी बड़ी नहीं है, भगवान में निष्ठा अभी गूढ़ नहीं हुई है, भगवान को सब जगह नहीं देख सकता है। उसे ये भी पता नहीं है भगवान के भक्तों का आदर किस प्रकार से करना चाहिए। ये लक्षण होते हैं निम्न श्रेणी के भक्त के, जिसे कनिष्ठा अधिकारी कहा जाता है। मध्यमाधिकारी जो होता है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या आ गया। जो मध्यमाधिकारी, जब उसने थोड़ी प्रगति कर ली भगवान की भक्ति में, तो वो मध्यमा के श्रेणी में आ जाता है। इस समय क्या होता है, इस प्रकार के भक्त की निष्ठा अत्यंत भगवान में गूढ़ हो जाती है। भगवान के अंदर में जो पहले कोमल श्रद्धा थी, अब वो जो है गूढ़ हो गई है, अब उसकी निष्ठा भगवान में पक्की हो गई है। लेकिन उसे पूर्ण रूप से वेदों का ज्ञान जरूर है, लेकिन बाकी लोगों को वो जो है कन्विंस हो सकता है ना कर पाए। तो इस प्रकार का भक्त जो है मध्यमा कहलाता है। इसके और क्या लक्षण होते हैं, इसके लक्षण इस प्रकार से होते हैं, मैत्री करुणा अपेक्षा। मतलब क्या है, जो भगवान की भक्ति में जो आस्था रखते हैं, जो नास्तिक नहीं है, जो आस्तिक लोग हैं उनके साथ में मैत्री करता है, और जिन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनके ऊपर करुणा करता है, उन्हें भगवान के बारे में बताता है, भगवान के बारे में समझाता है। तो किन लोगों से मैत्री करता है, उन लोगों से मैत्री करता है जो भगवान की भक्ति में आस्था रखते हैं, जिनका भगवान की तरफ झुकाव है उनके साथ में मैत्री, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है लेकिन इच्छुक है भगवान के बारे में समझने के, उनके ऊपर करुणा, उनको वो ज्ञान प्रदान करता है, उनको सहायता देता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा जो उसका लक्षण है, अपेक्षा। जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो आसुरिक होते हैं, उनसे वो दूर रहता है। तो ये जो है लक्षण होते हैं मध्यमाधिकारी के। कनिष्ठाधिकारी में जो है व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इस श्रेणी के भक्त, मध्यमा श्रेणी का भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा में तत्पर लगा रहता है, ये होता है। और जो सबसे उत्तम श्रेणी का भक्त होता है उसे उत्तमाधिकारी या फिर उसे महाभागवत कहा जाता है। जैसे यहां पर ये ब्राह्मण, ये ऋषिगण बता रहे हैं महाराज परीक्षित के बारे में कि ये जो बालक है ये महाभागवत रहेगा, उत्तम श्रेणी का भगवान का भक्त रहेगा। तो महाभागवत क्या होता है, उसकी पूर्ण रूप से भगवान में निष्ठा है और वेदों का संपूर्ण ज्ञान उसके पास में है। वो किसी भी व्यक्ति को, आस्तिक को, नास्तिक को, कोई भी व्यक्ति, किसी को भी जो है भगवान के बारे में वो ज्ञान प्रदान कर सकता है, उनको कन्विंस कर सकता है भगवान के बारे में। ये जो उत्तम श्रेणी का भक्त होता है। और उसके क्या लक्षण होते हैं, वो इतना विनम्र होता है, वो सोचता है कि सब भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि सब जगह वो भगवान को देखता है, सबके अंदर में भगवान को देखता है और भगवान को भी सब जगह पर देखता है। तो ये हमेशा सोचता है, उसके मन के अंदर में यही भावना रहती है कि मैं तो एक प्रकार से अभक्त हूं, मैं पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नहीं लगा हूं, लेकिन बाकी सारे जीव भगवान की सेवा में लगे। तो ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है। उत्तम अधिकारी कभी नहीं सोचता कि मैं बड़ा महान भक्त हूं, नहीं, वो बड़ा विनम्र होता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं दासों का भी दास का भी दास का भी दास का भी दास हूं, मैं अत्यंत एक तृण की भांति हूं। ये जो है महा
जो भागवत होते हैं, जो भगवान के उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, ये उनके लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार के भक्त थे महाराज परीक्षित। ये जो है इन ब्राह्मणों ने, इन ऋषिगणियों ने महाराज युधिष्ठिर को बताया। और महाराज युधिष्ठिर को वो क्या कहते हैं? महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप बड़े महाभागे हैं। परीक्षित महाराज महाभागवत हैं, महान हैं, सारे गुण उनके जो हैं सुरों के, देवताओं के उनके अंदर में रहेंगे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और महाराज युधिष्ठिर महाभागे हैं, बड़े फॉर्चुनेट हैं, भाग्यवान हैं, क्योंकि इस प्रकार का बालक उनके परिवार के अंदर में जन्म उन्होंने लिया है। तो देखिए, अगर किसी फैमिली के अंदर में, किसी परिवार के अंदर में कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसने जो है सबसे बढ़िया सेवा अपने परिवार के लिए की है। भौतिक रूप से सेवा तो जानवर भी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेदों के अंदर में बताया है, माता सन स्यात् पिता सन स्यात् गुरुर सन स्यात्। माता भी मत बनो, पिता भी मत बनो और गुरु भी मत बनो। अगर हम मृत्यु के काल चक्र से हमारे जो अधीन में होते हैं, जैसे माता पिता के अधीन में उनके बालक हैं, गुरु के अधीन में उनके शिष्य होते हैं, अगर हम समुपेत्युम मृत्युम मृत्यु के चक्र से अगर हम उन्हें छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, तो माता भी नहीं बनना चाहिए, पिता भी नहीं बनना चाहिए, गुरु भी नहीं बनना चाहिए। जब प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिम्हा से, जब नरसिम्हा भगवान उनको वरदान देना चाहते थे, प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि भगवान मुझे तो कोई वर नहीं चाहिए, मैं तो आपकी भक्ति में लगा हूं, मैं कोई बढ़िया थोड़ी हूं, वनिक नहीं हूं। मतलब एक मर्चेंट जो होता है वो लेन देन करता है, तो कहते हैं कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं आपकी शुद्ध भक्ति करना चाहता हूं, मैंने आपकी संतुष्टि की, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आशीर्वाद की अपेक्षा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ देना चाहते हैं, तो मैं केवल अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था कि इनका क्या होगा, किस प्रकार के क्रूर थे ये, कितने लोगों को इन्होंने कष्ट दिया, आपसे भी ये ईर्ष्या रखते थे। तब भगवान नरसिम्हा ने प्रहलाद महाराज से कहा कि हे प्रहलाद, तुम इनकी चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा उत्तम अधिकारी महाभागवत श्रेष्ठ भक्त जिसने इस परिवार में जन्म लिया है, उसके 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, 14 पीढ़ी जो है उनका उद्धार हो गया है। तो उन्होंने जो है इस प्रकार से बताया। मतलब क्या है, जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो वो हम सबसे बढ़िया श्रेय, सबसे बढ़िया भलाई, सबसे बढ़िया कार्य अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए यही कर सकते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को महाभागा बताया गया कि आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं कि इस प्रकार का महान भक्त जो है आपके घर के अंदर में, परिवार में जन्म ले रहा है। आगे वो बताते हैं, वो कहते हैं कि इस बालक का नाम विष्णुरात पड़ेगा, इस नाम से ये विख्यात होंगे। और वो कहते हैं क्योंकि इसका एक कारण है, भगवान ने व्यक्तिगत रूप से इस बालक की मां के गर्भ के अंदर में जाकर के, उत्तरा के गर्भ में जाकर के स्वयं भगवान ने इनकी रक्षा की, इसलिए इस बालक का नाम विष्णु राता रहेगा। मतलब भगवान विष्णु ने व्यक्तिगत तरीके से, क्योंकि उनकी रक्षा की, सुरक्षा की, इसलिए इनको विष्णु राता नाम से विख्यात होंगे।
तब प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या भगवान सबकी रक्षा नहीं करते हैं? अब भगवान तो सबकी रक्षा जरूर करते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, लेकिन अंतर ये होता है कि महाभागवत जैसे परीक्षित महाराज थे, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा भगवान पर्सनली करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं, जबकि आम जीवों की सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनका भरण पोषण भगवान जो है अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, जैसे ये भौतिक सृष्टि है, इसके अंदर में भी भगवान की अनेकों प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। तो हर एक जीव का भरण पोषण, हर एक जीव की रक्षा भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा उनके कर्म के अनुसार भगवान करते हैं। लेकिन महाभागवत जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी रक्षा भगवान जो है स्वयं व्यक्तिगत रूप से करते हैं। इसलिए यहां पर बताया गया है कि इस बालक का नाम विष्णु रात के नाम से विख्यात होगा, क्योंकि स्वयं व्यक्तिगत रूप से भगवान विष्णु ने गर्भ में जाकर के इनकी रक्षा की। तो और महाराज परीक्षित के बारे में आगे चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।